मॉर्निंग गाइज, बहुत दिनों के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए क्योंकि कल SSC GD का रिजल्ट आउट हुआ है। तो उनमें से एक स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं आज, कुछ तो नहीं आए क्योंकि उनका रिजल्ट हो गया बोल के क्लास नहीं आ रहे, लेकिन एक स्टूडेंट आया हुआ है तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा सामने, जैसे कि हम लोग हमेशा बुलाते हैं। तो बहुत खुशी की बात होती है कि एक ही गांव से तीन लोग का हुआ, उसमें से एक लड़का यहां पर आया हुआ है, ठीक है ना। उनको जानते भी होंगे बहुत, कोई बहुत पहले से यहां जो पढ़ते हैं, बाकी जो बाहर पढ़ते हैं वो लोग भी देख लीजिए, उनको हम बुलाना चाहेंगे। उनका नाम है राम किस्टो मुंडा, जोरदार तालियां इनके लिए। तो राम किस्टो आइए आप। वैसे हम लोग स्वागत के तौर पे कुछ नहीं किए हैं, लेकिन कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे हम लोग। और रामकिस्टो जिस गांव से आते हैं उस गांव से तीन लोग का हुआ है एक ही बार सिलेक्शन, सोच लीजिए। एक बार और ताली बजा दीजिए, एक गांव से तीन लोग। और एक हरी मुंडा करके है, अभी कुछ ही समय पहले उनका एडमिशन हुआ था, एक साल जैसा कर हो गया होगा लगता है। बहुत जल्दी से वो पिकअप कर लिए, और पिकअप करने के बाद मॉक टेस्ट में भी अच्छा नंबर लाते थे और उनका हो गया। और रामकिस्टो का एक दोस्त इमानुएल बारजो का वीडियो देख चुके होंगे, तो वो भी कुछ दिन पहले वीडियो में आप लोग देखे होंगे, वो आए थे, उनका पहले हो गया था पिछला साल ना जी सर। तो उसी समय से और थोड़ा पिकअप किया रामकिस्टो, और इस बार वो ठान ही लिया था इस बार निकालना ही निकालना। तो इस प्रकार से ना मन में बना लीजिए, ठान लीजिए कि हमको निकालना ही निकालना है, ठीक है। तो मेहनत किए और रामकिस्टो का हो गया, अब तो जीवन इसका बहुत ही अच्छा उज्ज्वल और शानदार गुजरने वाला है, ठीक है ना। पैसा का कम से कम दिक्कत लाइफ में नहीं होगा। तो रामकिस्टो को और एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहेंगे और कुछ सुनना चाहेंगे इससे, ठीक है। कुछ भी जैसे इधर आ जाइए। तो रामकिस्टो कुछ बोलिए, फिर हम कुछ नहीं बोले, कुछ अपने से कुछ बोलिए, कोई सवाल नहीं है, बस कि कैसा महसूस करिए सब बता दीजिए। रिजल्ट आया तो सर, रिजल्ट के बारे तो पता नहीं था, गांव का एक जन दोस्त था वो फ़ोन किया सुबह में हमको, तो फिर फ़ोन करके बताया कि तुम लोग का सबका क्लियर हो गया गांव से बोल के बोला था सुबह में। उसके बाद फिर लड़का लोग वहाँ आया, पता चला तो सबको ही फ्रेंड लोग फोन करने लगे इनको। जी सर, फिर इससे क्या प्लान है आज का, जैसे कल तो रिजल्ट आउट हुआ है, फिर दोस्त लोग तो अभी खर्चा आधा दोस्त लोग का कल हो गया सर, सबके सर अभी आधा लोग का हुआ है, हम लोग का नहीं हुआ हो गया सर आज। फिर हम लोग का भी हो गया, टीचर्स डे भी पहुंच रहा है तो बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, इस बार सोचे हैं जितना लोग का भी यहाँ से हुआ है, बहुत लोग का हुआ है यहाँ पर, ठीक है ना। अभी नंबर काउंट कर ही रहे हम लोग, तो उनको बुला के यहाँ से पुरस्कृत करेंगे, ताकि वो जो हम लोग देंगे वो हमेशा इनका भविष्य में रहेगा, अपने साथ घूम रखे वो चीज़। तो बहुत अच्छा लगता है कि चलो यही आसपास से, यहाँ से मात्र 6-7 किलोमीटर दूर है इनका गांव, और मेरा घर भी उधर ही साइड में है, तो हम लोग का घर अगल बगल है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो उधर से ही मतलब एक गांव से हुआ है, बगल गांव से, सोच लीजिए। और लोग भी हुए हैं, सब इधर उधर से हुए हैं, लेकिन एक गांव से तीन लोग का होना बहुत बड़ी बात है। तो उस गांव में क्या माहौल बन गया होगा सोच लीजिए, बाकी जो यंग लड़के होंगे तो वो लोग भी सोच रहे होंगे ना, अरे इन लोग का हो गया, इन लोग बाहर नौकरी के लिए जा रहे हैं, तो उन लोग को भी मोटिवेशन मिला होगा, उन लोग भी तैयारी करें। वैसे वीडियो बनाने का पर्पस यही है कि लोग देखें और जोश में आ जाएंगे यहाँ नौकरी करना है, क्योंकि वैकेंसी सरकार दे ही रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं दे रहा है, बसरते बहुत लोगों को पता नहीं रहता है कि मतलब तैयारी कैसे करना है, क्या करना है। सिलेबस को रखिए सामने, सिलेबस निकाल लीजिए, और सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, नौकरी होना ही होना है। और इसमें ज़्यादा स्कोर जैसे लगा था एग्ज़ाम लिखा था, तो गणित उनित सब रीजनिंग में था सर, रीजनिंग में था जी सर, रीजनिंग में था सर, रीजनिंग में अच्छा लाए है उसके बाद। और रीजनिंग तो ऐसे भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए ना सबसे कमज़ोर कड़ी माना जाता है, जितना भी एग्जाम होता है रीजनिंग सबसे वन ऑफ द मतलब क्या बोले आसान, सबसे आसान है। उसके बाद गणित क्या था, गणित रीजनिंग हिंदी में था सर, फिर हिंदी में था, फिर मैथ में था, फिर मैथ में था, फिर जीके में। तो ऐसे बहुत बड़ा भास्ट है, बहुत बड़ा क्षेत्र है, जीके में उतना अच्छा से तो नहीं भी, लेकिन एवरेज कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके सिलेक्शन, तो बहुत ही अच्छा है। चलिए
आगे और भी कोशिश कीजिए बड़ा पोस्ट के लिए। सीजीएल का भर रहे हैं ना? भर रहे हैं सर, सीजीएल का भी। अभी तो सीजीएल का भी भर रहा है, उम्मीद करते हैं कि उसमें भी एक पोस्ट ले ले एसओ का। तो सबको हम लोग बहुत यहाँ से रांची में वहाँ पर जाएंगे, ऐसा हमको लग रहा है। इस बार एसओ बहुत लोग कब हो जाएगा और रांची में जाएंगे। अगर एसओ नहीं भी होगा तो बीएसओ जो भी होगा ले लो उसको, ठीक है ना? अगर हो जाएगा एसओ तो अच्छा बात है कि एक जगह एक ही बिल्डिंग में, अगर नेपाल हाउस में देगा तो वहीं पर। चलिए ठीक है, ठीक और है। और कुछ नहीं सर, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना चाह रहे। और लोग को बुलाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इधर उधर थोड़ा दिखा, और लोग को बुलाएंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेसन और उज्ज्वल भविष्य की हम लोग कामना करते हैं। फिर से कोई और अच्छा पोस्ट इनको मिल जाए। नौकरी कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता है, सब नौकरी अच्छा है। इसमें भी बहुत अच्छा, क्या हमें मिला है ऐसे कुछ पता चला? बीएसएफ में मिला, बीएसएफ बहुत अच्छा जगह है नौकरी के लिए, ठीक है? तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे किस अन्य के साथ हम लोग। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहिए।